नमस्कार, मध्य प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। खबर डेरा से है। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने 32 दिनों अपने गृह ग्राम ढेरों में पूछे। पिता स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला रजत फुटबॉल खेल प्रतियोगिता वर्ष 2021 के फाइनल में समापन समारोह में शामिल होकर खिलाड़ियों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। विजेता देवता लाभ टीम तथा उप विजेता ढेराचल टीम के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता का सफल आयोजन करने के लिए आयोजन समिति के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए शुक्ल ने कहा कि रीवा एवं विंध्य के खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में अपना परचम लहराया है। आने वाले दिनों में फुटबॉल के खेल को और बढ़ावा दिया जाएगा तथा हर स्तर पर सहयोग किया जाएगा। इस दौरान देवेंद्र पांडे, बेधड़क विवेक दुबे के साथ ही एसटीएम एपी द्विवेदी, तहसीलदार सुनील शुक्ला, नायक विभाग एसटीओ महूगंज एसएस तिवारी, श्रीमाल मुकुंद शुक्ल प्राचार्य, आयोजक मोहनलाल शुक्ल, मोहनलाल कोल प्रधानाध्यापक ढोलरा, डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में प्रतिभावान खिलाड़ी उपस्थित रहे। रामपुर नेकिन से बड़ी खबर। मंगलवार की सुबह करीब 7:30 पर सीधी चूल्हे के रामपुर नेकिन क्षेत्र से बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आई है। उपस्थित सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सीधे से करीब 7 बजे सुबह बस सताना की ओर रवाना हुई थी, जो कि रामपुर नेकिन थाना क्षेत्र से बस लगभग 25 किलोमीटर आगे पटना पुल के पास सवारी बस जो अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई और समा गई। नहर में समाई बस का कोई अता पता नहीं। बताया जा रहा है कि 4 लोगों का शव पानी में तैरता हुआ ऊपर आ गया है, जिन्हें बाहर निकाल लिया है। वहीं 7 लोग जीवित एवं सुरक्षित पाए गए हैं। उक्त घटना कैसे घटित हुई, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, आखिर बस कैसे नहर मिगरी, ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। घटनास्थल पर आईजी रीवा जोन उमेश जोगा, डीआईजी के साथ ही अनिल सिंह कुशवाहा, एसीपी सीधी पंकज कुमावत, एसीपी रीवा मराकेश सिंह सहित भारी पुलिस बल और कलेक्टर सीधी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद है। हेलो यार, हाँ बोलो, यखमा निकला था।